video we are going to do the difference between the centripetal and the centrifugal force. Centripetal force मैंने आपको already introductory video में बता दिया है कि क्या होता है. Centrifugal force is a pseudo force जो सिर्फ non inertial frame में हम consider करते हैं. अगर आपको नॉन इनर्शियल या सूडो फोर्स अभी नहीं पता तो हम उसके ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे. मैं इसके जो पॉइंट्स दे रही हूं आपको, आप वो बस याद रख लीजिए. तो अभी अपन दोनों का डिफरेंस देखते हैं. पहला, ये जो फोर्स है ये रेडियस के अलोंग एक्ट करता है. मतलब ये हमारा सेंटर है, ये हो गया रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर. मतलब रेडियस के अलोंग लेकिन टूवर्ड्स द सेंटर. वेयर इज टॉकिंग अबाउट दिस फोर्स, दिस इज अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, दिस इज अ रियल फोर्स वेयर इज दिस इज अ सूडो फोर्स. ये तो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में यही बताया. दिस फोर्स इज कंसिडर्ड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दिस फोर्स इज कंसिडर्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट. एंड द लास्ट पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट, इन वेक्टर फॉर्म एज वी कैन सी जो फोर्स होगा वो अंदर की तरफ है और जो रेडियस वेक्टर होता है वो बाहर की तरफ है. तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180. इसके यहाँ पे क्या आता है, माइनस. जब हम यहाँ पे बात करें तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी बाहर की तरफ है और रेडियस वेक्टर भी बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे प्लस आता है. इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू.